वीडियो में मैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करूंगा, और ये पर्टिकुलर वीडियो जो है मैंने इसमें कवर किया है कि आपको जुडिशियल एग्जाम्स के लिए कौन से सेक्शंस पढ़ के जाने चाहिए और उन पर्टिकुलर सेक्शंस में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों, ये जो मैं पोस्ट कर रहा हूँ वीडियो, इवन जो मेरी पहले वीडियोज़ हैं, वो सिर्फ एक सजेस्टिव वीडियोज़ हैं कि आपको इस वे से तैयारी करनी चाहिए। और साथ में आपको बताना चाहूँगा, ये जो सब वीडियोज़ हैं, ये एक शॉर्ट तरीका है तैयारी करने का। बट अगर कभी भी आपने बेयर एक्ट नहीं पढ़े, आपको एक बार पूरे का पूरे बेयर एक्ट गो थ्रू करने चाहिए। उनमें से अगर आप सिलेक्टेड पोर्शन कवर करना चाहते हैं, तो कम से कम इनको तो कवर करना ही है। और मैं गगनदीप सिंह studies.in से ये एक वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करता हूँ, आपको साथ ही साथ अपडेट मिल पाएगा। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसकी इनेक्टमेंट डेट है 9 सितंबर 1972 और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है 2 अप्रैल 1973। और इसमें 7 चैप्टर्स हैं, 66 सेक्शंस और 6 स्केड्यूल्स। और जो सेक्शन 2 है, आपको इसके डेफिनेशन क्लॉज में ये पर्टिकुलर सेक्शंस की हेडिंग पता होना चाहिए, किस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या चीज़ मेंशनड है, आई मीन सब सेक्शंस। तो आप ये इन पार्ट्स को ज़रूर नोट कीजिए। फर्दर मूव करते हैं सेक्शन 3, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड अदर ऑफिसर्स। तो यहाँ पे आप लिखिए बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन 4, अपॉइंटमेंट ऑफ लाइफ वार्डन एंड अदर ऑफिसर्स। तो यहाँ पे आप मेंशन कीजिए चीफ लाइफ वार्डन एंड अदर्स बाय स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 5, पावर टू डेलीगेट हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट। और दोस्तों, सेक्शन जो 5A, B और C तीनों की हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और 5A में आप मेंशन कीजिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इन दैट केस प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन। तो यहाँ पे आप ये मेंशन कीजिए। फर्दर देखते हैं सेक्शन 6 के बाद। सेक्शन 7, प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द बोर्ड। तो यहाँ पे आप लिखिए मीट एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर। जो सेक्शन 8 है, ड्यूटीज ऑफ स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, तो यहां भी आप लिखिए गाइड स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट। सेक्शन नंबर 9 का हेडिंग इंपॉर्टेंट है, प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग। इन केस ऑफ सेक्शन नंबर 11, हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स टू बी परमिटेड इन सर्टेन केसेस। यहां पे आप लिखिएगा अलाउड बाय चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। सेक्शन 12 का हेडिंग इंपॉर्टेंट है, ग्रांट ऑफ परमिट फॉर स्पेशल पर्पजेस। और दोस्तों, यहाँ पे आप सेक्शन नंबर 12 चेक कीजिए कि वो पर्पजेस कौन कौन से हैं, जैसे रिसर्च। आप इन चीज़ों को एक बार लिस्ट को जरूर चेक कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन 12 के अंडर। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 17 के बाद। सेक्शन 18 का हेडिंग भी इंपॉर्टेंट है और इसका कंटेंट भी, डेक्लरेशन ऑफ सेंचुरी, इट इज बाय स्टेट गवर्नमेंट। 18A का हेडिंग इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन टू सेंचुरीज। अंडर 18B, अपॉइंटमेंट ऑफ कलेक्टर्स, यहां पे आप मेंशन कीजिए बाय स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 22 का हेडिंग इंपॉर्टेंट है, 22 और 23, इंक्वायरी बाय कलेक्टर, पावर्स ऑफ कलेक्टर दोनों ही। अब जो सेक्शन 26A है, डेक्लरेशन ऑफ एरिया सेंचुरी, इस केस में आप ये कंटेंट मेंशन कीजिए दैट स्टेट गवर्नमेंट शैल इशू अ नोटिफिकेशन स्पेसिफाइंग द लिमिट्स ऑफ द एरिया। अपार्ट फ्रॉम दिस, वेयर एनी पार्ट ऑफ द टेरिटोरियल वाटर्स इज टू बी सो इंक्लूडेड प्रायर कॉन्कुरेंस, इसको आप जरूर मार्क कीजिए, प्रायर कॉन्कुरेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी ऑब्टेन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो आपको अगर ऑप्शन आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट, तो यहाँ पे आप कॉन्कुरेंस वर्ड को ध्यान में रखिएगा। इवन आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार सेक्शन 26A को अच्छे से रीड कीजिए। देन सेक्शन 27, रिस्ट्रिक्शन और एंट्री इन सेंचुरी, हेडिंग इंपॉर्टेंट है इस पार्ट का। सेक्शन 28, ग्रांट ऑफ परमिट, इसका भी हेडिंग इंपॉर्टेंट है। फर्दर देखते हैं सेक्शन 31 के बाद। सेक्शन 35, डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क्स, तो यहां पे आप मेंशन कीजिए इट इज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। देन सेक्शन 38, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिक्लेयर एरियाज
एज सेंचुरीज, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिक्लेयर एरियाज एज सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स। तो यहाँ पे आप मेंशन कीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट मे इफ इट इज सेटिस्फाइड डिक्लेयर सच एरिया बाय नोटिफिकेशन टू बी अ सेंचुरी। अब इवन आप फ्रेंड्स एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आपको किसी भी तरह का कोई अपडेट है किसी लॉ में तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, क्योंकि ये जो सारे पर्टिकुलर वीडियोस हैं, ये जो सारे वीडियोस हैं मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे शेयर किए, और अगर आपको किसी भी तरह का कोई नया अपडेट मिलता है, मान के चलिए कोई पीरियड के रिगार्डिंग या किसी भी तरह के सेक्शन में कोई अमेंडमेंट है जो कि मैंने बाई चांस मिस कर दी, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए ताकि सबको हेल्प मिल पाए। नेक्स्ट जो सेक्शन 35 है, आई वुड सजेस्ट कि सेक्शन 35 एक बार आप पूरा गो थ्रू कीजिए। नेक्स्ट जो सेक्शन 38 वाले पार्ट हैं, इसमें देखिए जो चैप्टर 4 है इसका आप ईयर मेंशन कीजिए, इट वॉज एडेड इन 1991, चैप्टर 4B वॉज एडेड इन 2006, और जो सेक्शन 38 कैपिटल एम टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स, तो यहाँ पे आप मेंशन कीजिए नॉट एक्सीडिंग 3 years, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेक्शन जो चैप्टर 4C है उसका आप ईयर ऐड कीजिए 06। सेक्शन 44 डीलिंग्स इन ट्रॉफी एंड एनिमल आर्टिकल्स विदाउट लाइसेंस प्रोहिबिटेड, एंड इन केस यू नीड अ लाइसेंस एप्लीकेशन टू द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और द ऑथराइज्ड ऑफिसर। नेक्स्ट सेक्शन 45 सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ द लाइसेंस बाय वन हु इशूड। सेक्शन 46 अपील का सेक्शन है टू चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन एंड देन टू स्टेट गवर्नमेंट, और यहाँ पे आप 30 डेज का पीरियड जरूर याद रखिएगा। दोस्तों किसी भी लॉ में जब भी हम बात करते हैं किसी भी तरह का पीरियड या जब कोई नया सेक्शन ऐड हुआ है, आप उनका ज़रूर ध्यान रखिएगा। नॉर्मली एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पुट किए जाते हैं कि वो कब ऐड हुआ और ये पर्टिकुलर सेक्शन किसके रिगार्डिंग डील करता है, इन सेक्शंस का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सेक्शन 50 से लेकर 58, जो सेक्शन 51 है इसमें जो पेनल्टीज मैंशनड है एक बार इसको आप गो थ्रू कीजिए, एंड आई वुड सजेस्ट अगर आप याद कर सकते हैं उसको मेमोराइज कीजिए। सेक्शन 52 अटेम्प्ट्स एंड अबेटमेंट ऑफेंस अंडर एक्ट, और जो सेक्शन 52 से लेकर 58 तक है आई वुड सजेस्ट कि इनको आप एक बार गो थ्रू कीजिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्ट का। नेक्स्ट सेक्शन 59 ऑनवर्ड्स अंडर चैप्टर 7, जैसे सेक्शन 60 कैपिटल ए है इसमें आप ईयर 1991 मेंशन कीजिए, रिवॉर्ड टू पर्संस हु हेल्प द गवर्नमेंट, मतलब ये वो केसेस हैं जहाँ पे कोई पर्सन किसी भी तरह का जब कोई गलत एक्ट हो रहा है, जब वो गवर्नमेंट को इंटीमेट करता है तो उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, और सेक्शन के एंड में मेंशन है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर परसेंटेज 50%। 60B कैपिटल बी रिवॉर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट नॉट एक्सीडिंग ₹10,000। एक बार इन दोनों सेक्शंस को आप गो थ्रू कीजिए, रीड भी कीजिए, आपको थोड़ा एक बार ओवरव्यू मिलेगा इन सेक्शंस के रिगार्डिंग। और जो सेक्शन 63 से लेके 66 तक हैं इनका एक बार हेडिंग्स आप चेक कीजिए, पहले आप एक बार पूरा बेयर एक्ट गो थ्रू कीजिए। और दोस्तों ये एक सजेशन है मेरा कि जो भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ मैटर, और अगर आपको लगता है कि आप एक बार पूरा बेयर एक्ट पढ़ना चाहते हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप इसको सारा एक बार गो थ्रू कीजिए। होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिल पाएँ। थैंक्स अ लॉट।